हे गाइस, दिस इज निशु सोलंकी एंड यू आर वाचिंग स्टेप ऑफ मैथ्स। सो आज हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज चालू करने जा रहे हैं। सो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में ये नेक्स्ट लेक्चर सीरीज है। इसमें मोस्टली एग्जांपल्स मैंने कंटेन किए हैं डेरिवेशन ऑफ इम्प्लिसिट एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहले तो समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं एंड उसके मुजब से उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज 5.3 के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सोल्व करेंगे और आपको मैं होमवर्क दूंगा। सबसे पहले तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको याद क्या रखना है। देखो एक सिंपल चीज, अगर आप किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करते हो, अगर मैं यहां लिखता हूं एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का पावर आगे आती है 2x। गुड, अभी x का वापिस पीछे से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। याद रखो जब भी कोई चीज का हम डिफरेंशिएट करते हैं हम उसको, तो वही चीज को हम वापिस हमें पीछे डिफरेंशिएट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ चेन रूल। यहां पे इसका आंसर 1 आता है इसलिए हम यूजुअली इसको लिखते नहीं है। इसका आंसर यहां पे 1 आता है इसलिए हम उसको नहीं लिखते। तो एक ये चीज हमें हमने यहां पे समझी, ये सारी की सारा जो फॉर्मेशन है वो एक्स के फॉर्म में है। अब चलो मैं यहां पे कुछ चेंज करता हूं, अब यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह मैं वाई स्क्वायर लिख देता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y, ठीक है, और ये y का डिफरेंशिएशन वापिस हमें पीछे करना पड़ेगा। अब इसका कोई आगे सॉल्यूशन नहीं है, dy बाई dx आपको वैसा का वैसा ही लिखना है। पता क्या चला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2y इंटू डीवाई बाई डी एक्स। तो y वाला वेरिएबल, y वाला फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो y कंटेन करता हो उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद पीछे आपको y का dy by dx लिखना पड़ेगा। ये चीज आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पे cos x लिखूं तो cos x का होता है माइनस साइन x, पर यहाँ cos y हो लिखूं तो cos y का होता है माइनस साइन y इंटू dy by dx। y का अलग से पीछे से डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक पूरा चैप्टर है, हम अलग से कवर करेंगे। अभी फिलहाल आपको उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो आपको उसके याद रखने हैं, बस दैट्स इट। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एग्जांपल, नंबर 1। इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 3y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सो देखो सबसे पहले x हो या y हो, आप उसका डिफरेंशिएट अगर आप उसको करते हो, 3y का डिफरेंशिएशन 3, अब x का d by dx ऑफ x क्या होता है 1, पर d by dx ऑफ y क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो d बाई डी एक्स ऑफ वाई एस इट इज आपको ऐसा ही लिखना होता है। अब साइन y का होता है cos y, और जब भी कोई y की चीज y को डिफरेंशिएट करते हो तो पीछे आपको लगाना पड़ता है dy बाय dx। अब नाउ इसमें आपको फाइंड क्या करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। तो dy बाय dx वाले टर्म्स को एक तरफ रखो, बाकी अदर टर्म्स को दूसरी तरफ। 2 इज इक्वल टू cos y इंटू डीवाई बाई डी एक्स, ये पूरा टर्म उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2 अपॉन। सो यहां अगर मैं डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकालू तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में चला जाएगा और आएगा कोस वाई माइनस 3। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है ये, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का नहीं है, वो स्टार्ट होगा तब मैं आपको बताऊंगा। इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल इसी तरह से सोल्व होते हैं विद रिस्पेक्ट टू आपको सोल्व करना होता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू सी यहां पे दोनों वेरिएबल एक साथ बैठे हुए हैं, द टू वेरिएबल ओवर हियर। सो वी हैव टू यूज हियर यूवी मेथड। यूवी मेथड तभी यूज करते हैं जब दोनों फंक्शन आपको एक साथ मिले। यहां पे ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई दोनों साथ में है, तो यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी
डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू यानी एक्स का होता है 1, वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y, और पीछे डीवाई बाई डीएक्स तो लिखना पड़ता है, टेन एक्स का क्या होता है sec square x, और y का होता है dy by dx। इतना कर लो, उसके बाद एक ही चीज करना है, dy by dx वाले टर्म्स को एक साथ रखो, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म, ये तीनों टर्म कंटेन करते हैं dy by dx को। चलो मैं तीनों में से dy by dx में ले लेता हूं कॉमन, तो रिमेनिंग पार्ट अंदर बचेगा क्या, x ठीक है प्लस 2y, और यहां कुछ नहीं है, यहां पे आएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस वन रहेगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट वो राइट हैंड साइड चले जाएंगे, या sec square x है ठीक है, ये y वन सा y उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फाइनली इज योर आंसर इज, ये पार्ट चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आपका आंसर है। सी कितना सिंपल है, इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल्स एकदम सिंपल रहेंगे, आपको इसी तरह से सोल्व करने सारे एग्जाम्पल। सुनाओ मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x2, x2 y एक कंबाइंड टर्म है, तो यहां यू वी मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, यू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी प्लस वी, और डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, लिख लिया। नेक्स्ट अगेन ये दोनों कंबाइन में है, तो यहां पे भी यू मेथड अप्लाई करेंगे, यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y। ओके यहां पे देखो, यह सिर्फ y था, यहां वाई स्क्वायर है, तो 2y इंटू डीवाई बाय डीएक्स, जब भी कोई y वाला फंक्शन सोल्व करते हो तो पीछे डीवाई बाय डीएक्स आपको लिखना है, u डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, x का हो जाता है 1, y क्यूब का क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं 3y स्क्वायर इंटू डीवाई बाय डीएक्स इक्वल्स टू 0। जीरो क्यों लिखा, क्योंकि 81 एक कॉन्स्टेंट टर्म है और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0। यहां से एग्जाम्पल ऐसे जाता है। ओके सो ये पूरा का पूरा हमने सोल्व किया। यहां पे एक ही चीज ध्यान में रखो कि dy by dx वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, ये थ्री टर्म्स, तीनों टर्म ऐसे जिसमें dy by dx है, कॉमन ले लो उसको। ओके यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डीएक्स है 2xy, यहां पे भी dy by dx है 3y स्क्वायर ले लिया, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वो राइट हैंड साइड चले जाएंगे, रिमेनिंग टर्म को सब यहां पे प्लस है तो ऑब्वियसली वहां जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। रिमेनिंग टर्म्स में क्या आएगा, सबसे पहले 3x में, सेकेंड 2xy एंड थर्ड वन इज y स्क्वायर। आ रहा है समझ में, एकदम सिंपल है ये। अब डीवाई बाई डीएक्स ऑब्वियसली मुझे फाइंड करना है तो क्या करूंगा मैं, ये पूरा का पूरा टर्म चला जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, बस दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन, क्विक एंड वेरी सिंपल। नाउ आवर फोर्थ एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस को स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, पावर है तो पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, और यही पार्ट बेस का डिफ्रेंसिएशन वापस करना पड़ता है, एक रूल है, 2 आगे आया तो 2 साइन एक्स हुआ, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन वापस करना पड़ता है जो होता है कॉस एक्स हुआ, प्लस सेम प्रोसीजर 2 आगे आएगा तो 2 कॉस वाई, कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन पीछे वापस करना पड़ेगा जो होता है माइनस साइन वाई, एंड देन अगर वाई का भी पीछे करना पड़ता है जो होता है डीवाई बाय डीएक्स इक्वल्स टू 0, 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। एक्स का डी पीछे की कर, अगर हम करें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगर करें तो वो 1 हो जाता है, पर अगर y का करें तो वो कुछ नहीं होता है, तो हमें एज इट इज या डी बाई डीएक्स लिखना पड़ता है टोटली। नाउ फाइंड क्या करना है, डी बाई डीएक्स ठीक है, और ये अगर मैं माइनस यहां से रिमूव कर दूं तो यहां माइनस आ जाएगा,
ये पूरा का पूरा टर्म मैं उस तरफ राइट हैंड साइड लेके जाऊं, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स वाई, अगर डीवाई बाय डीएक्स को हम अपनी जगह पे ही रखें तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो चला आएगा डिनोमिनेटर में, 2 साइन वाई इंटू कोस वाई। शायद आपको पता हो ट्रिगोनोमेट्रिक के जो फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री के, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। सेम यहां पे साइन 2 वाई इज इक्वल टू डीवाई बाय डीएक्स, वेरी इजी फॉर्मूला, आपको याद होने चाहिए बस। सो नाउ दिस इज अवर एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इम्प्लिसिट के एग्जाम्पल पूरे हो गए, अभी ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल। पहली बात तो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो शायद मैं या एक्स की जगह टेन थीटा अगर पुट कर दूं, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ टेन, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ टेन क्यूब थीटा। देखो यहां पे जब भी आप इस तरह के कोई एग्जाम्पल लेते हो तो यहां आपको एक वैल्यू सपोज करनी है एक्स की जगह पे। चलो मैं यहां एक्स की जगह पे ले लेता हूं एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो इसके दो अलग अलग मेथड है, मैं टेन इनवर्स वाई को यहां पे ले, टेन इनवर्स को यहां पे लेके आऊंगा तो वो टेन वाई हो जाएगा, और यहां पे एक साइड एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों तरफ अगर मैं उसको सोल्व करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा इसको यू बाय वी मेथड से और इसको टेन वाई का सेक्स कर डीवाई बाई डी एक्स से, तो भी आंसर आएगा पर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ टेन एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर रहा हूं तो क्या होगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब शायद आपको पता हो ये इलेवेंथ स्टैंडर्ड में फॉर्मूला था टेन थ्री थीटा का। ठीक है, तो टेन इनवर्स एंड टेन कैंसल आउट, वाई इज इक्वल टू क्या मिला, थ्री थीटा मिला। थीटा की वैल्यू अगर मुझे यहां से निकालनी हो तो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होती है कि नहीं। अब ये मुझे एक फंक्शन मिल गया, अब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा डीवाई बाय डीएक्स, यहां पे मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, होता है कि नहीं। ये टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, थ्री बच गया तो थ्री को यहां पे रख दो, थ्री वन जा थ्री। तो एक तीन चार स्टेप का एक एग्जाम्पल है ये, तो इसको लेंदी क्यों बनाए, तो इस तरह से इसको सोल्व करना है हमें। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कुछ लिमिट दी हुई है, इसका एक्चुअली मतलब क्या है, देखो यूजुअली लोग इसे इग्नोर करते हैं। साइन का जो रेंज है माइनस वन से वन, वो रेंज एक्चुअली यहां बनाने के लिए, वो रेंज यहां रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए x की वैल्यू ये रेंज में होनी चाहिए, ये दिखाता है x की वैल्यू जीरो और वन के बीच में होनी चाहिए। क्या अगर ये यही लिमिट में रखेंगे तो यहां पे माइनस वन से वन में साइन का रेंज रहेगा। तो वापिस दो मेथड, साइन इनवर्स को यहां पे लेके आओ, साइन वाई हो जाएगा, सोल्व करो यू भी मेथड से तो भी हो जाएगा। या तो एक काम करें, एक यहां पे अगर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दू तो एक फॉर्मूला आता था, वो फॉर्मूला है कोस टू थीटा का। मैं एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा ले लेता हूं तो होगा क्या, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन इनवर्स और ये फॉर्मूला किसका है, आपने पढ़ा है ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला है। नीचे टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो, नीचे प्लस हो तो साइन, नीचे माइनस हो तो टेन, और इस तरह से हो तो कोस। सुना, देखो एक डिफिकल्टी क्या हुई, यहां कोस है या साइन है, अब कैसे उड़ाओगे। तो
शायद आपने एक चीज पढ़ी हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय टू होता है। तो मैं साइन इनवर्स एक्स रखूं तो क्या हो सकता है, पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स हो सकता है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, इसको आप साइन इनवर्स एक्स बना लो, इसको आप साइन इनवर्स एक्स बना लो तो एक्स क्या बनेगा, कोस टू थीटा, आई एम सॉरी तो अगर मैं इसको साइन इनवर्स एक्स सपोज करूं, साइन इनवर्स एक्स सपोज करूं तो उसका आंसर होता है पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आ रहा है, या एक्स किसको सपोज किया है हमने, कोस टू थीटा को। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अब तो कैंसिल हो सकता है ना। सो नाउ डी वाई बाय डी एक्स, अब मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता हूं, पाई बाय टू का क्या होता है जीरो, माइनस रहेगा, या क्या लिखा हुआ है टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स, टू तो वैसा का वैसा ही, थीटा का डिफरेंशिएशन करना है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेवेंथ वन। नाउ यहां पे मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है साइन इनवर्स, तो अंदर साइन ही बनना चाहिए तो ही सही रहेगा। सो क्या करें, तो अगर यहां पे कुछ ट्रेजरी बनाए, मैं सपोज करता हूं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, चलो कॉस भी ले सकते हो साइन भी ले सकते हो, चलो मैंने साइन लिया, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा, ओके साइन को मैं यहां पे रखू तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का अंदर रूट क्या होगा कॉस थीटा, साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका है ट्रिगोनोमेट्री साइन टू थीटा का ये फॉर्मूला है। तो अब डायरेक्टली हमें अगर dy बाय डी एक्स फाइंड करना हो तो हमें डिफरेंशिएशन सिर्फ करना होगा टू थीटा का, टू थीटा का, इसमें थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, एंड आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ लास्ट एग्जांपल, नाउ द लास्ट एग्जाम्पल, ओके चलो ये एग्जाम्पल को थोड़ा समझे, यहां सेक है तो यहां भी सेक क्रिएट होना चाहिए तो ये कैंसिल कर सकते हैं, सेक होता है वन अपॉन कॉस, तो सिंपल यहां कोस टू थीटा बनना चाहिए, तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, कौन कौन से होते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वो भी कोस टू थीटा का फॉर्मूला है, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यस वी कैन सी टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन कोस टू थीटा का फॉर्मूला है, तो एक्स की जगह क्या लेना है कोस टू थीटा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट्स इट, वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन अपॉन टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ओके सो नाउ वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, वो कोस टू थीटा का फॉर्मूला है वन अपॉन कोस टू थीटा साइन टू थीटा सेक टू थीटा, ओके कैंसल, y इज इक्वल टू टू थीटा हुआ, तो अगर dy बाय dx अगर मुझे फाइंड करना है तो थीटा, थीटा यानी कि यहां पे थीटा हम क्या सॉरी cos टू थीटा नहीं थीटा, थीटा क्या मिलेगा हमें cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का क्या होता है जो साइन का होता है वही cos का होता है, बस थोड़ा साइन चेंज है, थोड़ा साइन चेंज आएगा यहां पे, ठीक है। सो आज की एग्जाम्पल सीरीज यहां पूरी होती है, होमवर्क आपको आई थिंक स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा, तो होमवर्क करो, फ्रॉम नेक्स्ट वी विल स्टार्ट लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, लॉग क्या होता है, उसकी अलग अलग कंडीशंस क्या है,
सो वो सब पढ़ेंगे और उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। बने रहिए, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।